हाय फ्रेंड्स, मैं करमबीर सिंह। कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो टेक्निकल इशू के कारण रह गया था, वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैं उसको आज कंप्लीट कर देता हूँ। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ज्योग्राफी जो है ना, वो एक तरह से साइंस ही है। आर्ट्स में उसको रखा जाता है, लेकिन ये साइंस ही है। आप इसको समझिए, याद करना नहीं है इसको। आप अगर इसके मैप को ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। तो फिलहाल वीडियो ज्योग्राफी को लेकर के आगे भी इन्हें बनाएंगे। आज पहले समझ लेते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, जो रह गया तो उसको कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आप उससे बहुत लाभान्वित होंगे। नए स्टूडेंट खास करके ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि महाराष्ट्र यहाँ पे है, ये गोवा है, ये छोटा सा, ये कर्नाटका है, और ये जो है वो केरला है, वो साउथ में, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, और ये जो है ये आंध्र प्रदेश है। आप देखिए कि गुजरात को देख रहे हैं आप, ये गुजरात है। गुजरात के जस्ट ये जो बीच में है, मध्य में, वो एमपी है, जिसको आप मध्य प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ये एमपी है, मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यहाँ पे, महाराष्ट्र के नीचे ये जो स्टेट है वो आपका तेलंगाना है। ये कौन सा स्टेट है आपका जो है, ये तेलंगाना है। अब एमपी हो गया, अब ईस्ट पार्ट में चले जाते हैं मैप के। तो ईस्ट पार्ट में गए तो पहले ही बताए हैं कि ये एचपी है, ये दिल्ली है, ये उत्तराखंड है, ये यूपी है, और यूपी के जो करीबी राज्य है वो बिहार भी है। तो ये जो आपका स्टेट है ये कौन सा है, ये बिहार है, बिहार है। और बिहार के जो बगल में है वो आप जान रहे हैं कि वो झारखंड है। तो बिहार के बगल में ये जो है, ये स्टेट, ये झारखंड है, ये झारखंड है। बिहार है, झारखंड है, झारखंड के बगल में ये जो है स्टेट, ये जो है ये स्टेट, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के इस साइड तो तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ के इस साइड जो स्टेट है ये उड़ीसा है, ये जो स्टेट है वो उड़ीसा है। और उड़ीसा और झारखंड के बगल में जो स्टेट है वो आपका पश्चिम बंगाल है, वो आपका पश्चिम बंगाल है। अब ईस्ट साइड में आते हैं तो ये जो न्यूक्लिया निकला हुआ है, ये जो स्टेट है वो आपका सिक्किम है, और जो सबसे लास्ट में है ये आपका, ये जो लास्ट में है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से जब नीचे उतरिएगा तो ये जो आपका स्टेट है ये नागालैंड, नागालैंड से नीचे उतरिएगा तो ये जो स्टेट है आपका ये मणिपुर, और मणिपुर से नीचे उतरिएगा तो ये जो आपका निकला हुआ है स्टेट ये आपका मिजोरम है। मिजोरम के जस्ट बगल में ये जो स्टेट है वो आपका त्रिपुरा है, और त्रिपुरा ये जो निकला हुआ है ये स्टेट आपका मेघालय है, और ये जो बीच में रह गया ये जो पार्ट है ये पार्ट असम है। तो आपको सब स्टेट क्लियर हो गया। एक बार आपको फिर से दोहरा दें कि ये आपका जेके है, ये एचपी, पंजाब, राजस्थान है, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये गोवा है छोटा सा, ये कर्नाटका,
ये केरला, ये तमिलनाडु, ये आपका आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये झारखंड, ये यूपी है, यूपी के बगल में ये बिहार है, ये जो निकला हुआ ये सिक्किम है, और इधर से अगर आप आइए तो ये जो है मेघों का शहर मेघालय, ये ऊपर में, ये जो ईस्ट का जो ऊपर कॉर्नर है ये अरुणाचल है, अरुणाचल के नीचे नागालैंड है, नागालैंड के मणिपाल है, नागालैंड के मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, सॉरी मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, फिर मिजोरम है, इधर त्रिपुरा है, और ये आसाम है, आप तो जान रहे हैं, ये जो कुल्लू किला है ये सिक्किम है, ये जो नेपाल के सट रहा है यहाँ पे, ये उत्तराखंड है, ये दिल्ली है, ये एचपी है। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेट क्लियर हो गया होगा। इस पार्ट को वेस्ट पार्ट कहते हैं, इस पार्ट को ईस्ट पार्ट कहते हैं, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। स्टेट क्लियर हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इस पर आप प्रैक्टिस करें, खुद से ड्रॉ करें, और जब आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो याद रखिएगा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, आपका जो दाहिना हाथ होगा उस तरफ ईस्ट है, और जो आपका बायां तरफ होगा वो वेस्ट है, और वो जो ईस्ट में जो स्टेट है उसको चिकन नेक भी कहा जाता है, उधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये सब चीज़, मेघालय, ये सब चीज़ इधर है, और बीच में जो लैंडलॉक टाइप हो जाता है वो इधर से बीच में वो बांग्लादेश है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और लगा होगा, और आप आगे बढ़िए, हम आपसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।